लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन सी सी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे fact, syllabus, Obstacle training. Obstacle training के बारे में हम बात करेंगे आज तो लेट स्टार्ट देखते हैं ऑबस्टल ट्रेनिंग क्या होती है सबसे पहले ट्रेनिंग ऑफ रिप्लेस इट विद हर्डल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर एन सी सी कैडेट एन सी सी कैडेट्स के लिए ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वॉयस सो? So, ऐसा क्यों होता है इट मेक्स कैडेट्स फिजिकली स्ट्रॉन्ग ये कैडेट्स को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाती है डेवलप ए हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करती है डेवेलप्स द क्वालिटी ऑफ पेशेंस एंड करेज पेशेंस धैर्य और साहस करेज की क्वालिटीज़ को हमारे अंदर एनहानस करती है ओके दैट्स वाई ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग हमारे लिए जरूरी है आगे देखते हैं जो एन का स्टैंडर्ड ऑब्स्टेकल कोर्स है उसमें टेन ऑब्स्टेकल्स होते हैं और दो इंडियन आर्मी के जो ऑब्स्टेकल कोर्सेज हैं वो अलग तरीके के होते, है। होते हैं उसमें ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स होते हैं ओके लेकिन जो एन का स्टैंडर्ड ऑब्स्टेकल कोर्स है उसमें दस ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो कि मड यानी मिट्टी से कंक्रीट ब्रिक्स वुड लकड़ी से ईंटा से इनसे बने होते हैं तो वन ऑफ द मेन थिंग टू रिमाइंड और टू रिमेम्बर इज ईच ऑपस्टल इज प्लेसड डिस्टेंस ऑफ थर्टी फीट फ्रॉम ईच अदर हर एक जो ऑप्स्टल होगा उन दो उपस्ट्रगल के बीच की दूरी होगी थर्टी फीट। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये आपको हमें याद रखनी रखनी है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑपस्टकल है यहाँ पे एक उपस्ट्रगल यहाँ पर एक उपस्टकल है तो इस ऑपस्टेकल के बीच की दूरी कितनी होगी थर्टी फिट ओके इन अ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑप्स्टेकल कोर्स ऑल दो अगर किसी ने कम जगह में अरेंज कंसाइज करके बना रखा है दैट इज ऑल टूगेदर डिफरेंट थिंग लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड ऑप्स्टेकल कोर्स है तो उसमें दो ऑप्स्टेकल्स के बीच की दूरी होगी थर्टी फिट ओके अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑप्स्टेकल की बात कर लेते हैं स्ट्रेट बैलेंस स्ट्रेट बैलेंस में क्या होता है जिस तरीके के आप ये देख रहे हैं इनके ऊपर इस तरीके से चल के जाना होता है ओके okay, अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वुडन स्लैब होता है तीन इंच थिक और फोर इंच वाइड यानी तीन इंच मोटा और चार इंच चौड़ा और ट्वेल्व फीट लॉन्ग यानी इसकी जो लेंथ है ये कितनी है ट्वेल्व फीट ओके okay? जो ये लेंथ है दिस इज़ ट्वेल्व फीट एंड वन पॉइंट फाइव द ग्राउंड और ये जो ये हाइट है ओके okay? और जो इसकी ये हाइट है अबोव द ग्राउंड दिस इज़ वन पॉइंट फाइव फिट यानी इसकी लेंथ इज़ ट्वेल्व फिट ओके दिस हाइट इज वन पॉइंट फाइव और जो ये ऊपर स्लैब है अगर इस स्लैब को हम देखें तो ये स्लैब कुछ इस तरीके का है जिसकी मोटाई इज थ्री इंचज एंड विथ इज़ फोर इंचिस ओके जस्ट वेट फॉर अ वाइल प्लीज अब देखते हैं ऑप्शेकल नंबर टू दैट इज क्लियर जम्प ऑप्सटकल नंबर टू क्लियर जम्प ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ओके और इसके ऊपर से स्ट्रेट ऑफ रनिंग में आपको जंप करना होता है इट इज एटीन फीट लॉन्ग यानी जो ये लेंथ है इट इज एटीन फीट ओके एंड टू फीट अब द ग्राउंड और जो ये हाइट है दिस इज टू फीट आपको सारी स्पेसिफिकेशंस याद रखने की जरूरत नहीं है ये स्पेसिफिकेशंस इस बस इसी लिए हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए ओके okay? स्पेसिफिकेशंस इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं डोंट वरी अबाउट दैट थर्ड इज़ गेट वोल्ट हाँ लेकिन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नाम प्लीज़ आप याद रखिएगा ओके थर्ड वन इज़ गेट वोल्ट गेट वोल्ट में इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है ओके okay? ये जो हाइट है बिलो दिस दिस इज़ फाइव फिट एंड अबउ दिस दिस इज थ्री फिट ये थ्री फिट है ये फाइव फिट है ओके okay, इसकी विड्थ हम देखें तो दिस इज अगेन एटीन फिट और जब भी एक कैडेट को क्रॉस कैसे करना होता है वो रनिंग करता आएगा और जो ये फाइव फिट की स्लैब है फाइव फिट ऊपर इसके ऊपर पैर रखेगा और इस तरीके से दूसरी साइड पे जंप कर जाएगा ओके फोर्थ वन अगर हम देखें दिस इज जिगजैक बैलेंस ओके जिगजैक बैलेंस में क्या होता है एटीन फिट लेंथ यानी जो इसकी ये लेंथ है ये वाली यहाँ से शुरू हो गई जो यहाँ तक की लेंथ है दिस इट कवर्स एटीन फिट एंड थ्री इंच विड्थ यानी जो ये कुछ इस तरीके का स्लैब है जिसके ऊपर से आपको चल के जाना है ओके okay, तो दिस लेंथ इज एटीन फिट एंड दिस विथ इज थ्री इंचेस ओके द हाइट ऑफ ये वन पॉइंट फाइव फीट से शुरू होता है यानी जहाँ से शुरू होगा यहाँ पे हाइट होगी इसकी वन पॉइंट फाइव ओके और जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे हाइट हो जाएगी इसकी थ्री पॉइंट फाइव फीट यानी ये इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा इस तरीके से कुछ जिगजैग पोजीशन में यहाँ पे अगर वन पॉइंट फाइव फिट है इसकी हाइट तो यहाँ पर जाते जाते इसकी हाइट हो जाएगी थ्री पॉइंट फाइव ओके हाई वॉल आप सभी जानते ही हैं इसको छः फीट लंबी होती है और बारह फीट चौड़ी होती है ओके okay? ब्रिक से बनी होती है कैडेट को दौड़ के आना होता है यस टू जम उसके बाद डबल डिच डबल डिच में किस तरीके इस तरीके की दो गड्ढे होते हैं ओके okay? ये अलग अलग फोटोज हैं डोंट वरी अबाउट दैट और इसमें ये अगर इनकी स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो एट फीट लेंथ और सिक्स फीट वाइड यानी एट फीट सिक्स फीट और जो ये हाइट है यानी इसकी गहराई है डेप्थ है दिस डेप्थ इज थ्री टू फोर फिट ओके और दोनों के बीच का गैप इज राउंड ऑफ फोर फिट इसकी जो ये लेंथ है दिस इज एट इसकी जो विथ है दिस इज सिक्स ओके जो इसकी डेप्थ है दिस इज थ्री टू फोर और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है दिस इज फोर फीट सॉरी नोट सिक्स फोर फीट राइट हैंड वोल्ट राइट हैंड वोल्ट में अगर हम बात करें तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्राउंड से साढ़े तीन फीट ऊपर होता है थ्री पॉइंट फाइव फीट ऊपर होता है और उसमें दाया हाथ रख के इस तरीके से जंप करना होता है एटीन फीट इसकी लेंथ होती है सेम लेफ़्ट हैंड वोल्ट में होता है ओके दिस विल बी एटीन फीट और जो इसकी हाइट है दिस इज़ थ्री पॉइंट फाइव फिट जब उसमें राइट right हैंड रख के कूदा कूदा था कैडेट और इसमें आपको लेफ्ट हैंड रख के जंप करना है रैंप की अगर हम बात करें इस अनदर स्ट्रक्चर फिफ्टीन फिट लॉन्ग ओके एटीन फिट वाइड ये एटीन फिट होगा ये फिफ्टीन फिट होगा एंड फोर पॉइंट फाइव फिट हाई स्लोपी दिस इज़ फोर पॉइंट फाइव फिट ओके okay? और ऐसे क्रोल करके कैडेट को ऊपर जाना पड़ता है दिस इज ओके स्ट्रेट बैलेंस की अगर हम कई बार इस ऑब्स्टेकल को दूसरे ऑब्स्टेकल्स के साथ भी रिप्लेस कर देते हैं या फिर इसके ऊपर सिंपली आपको दौड़ के जाना है एंड यू हैव टू जंप कई बार ऐसा भी हो जाता है हर बार आपको क्रोल करके नहीं जाना पड़ता ओके स्ट्रेट बैलेंस की अगर हम बात करें तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है ट्वेल्व फीट लॉन्ग ओके ट्वेल्व फीट इन लेंथ थ्री इंच थिक फोर इंच वाइड ये जैसा कि हमने शुरू में देखा था दिस इज स्ट्रेट बैलेंस ओके सो ये थे दस के दस ऑब्स्टेकल्स अगर हम सेफ्टी मेजर्स की कुछ बात करें तो इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है वट आर द सेफ्टी मेजर्स वी नीड टू कंसर्न ड्यूरिंग ए ऑब्स्टेकल कोर्स और बिफोर अ ऑब्स्टेकल कोर्स और ड्यूरिंग अ ऑप्सटेकल ट्रेनिंग ओके तो इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करने के लिए दिस विल बी द आंसर सुटेबल एंड फिजिकली फिट कैडेट ओनली टू बी सेलेक्टेड जो सूटेबल और फिजिकली अच्छे कैडेट्स हैं उन्हीं का चयन इसके लिए किया जाए ये नहीं लग, पता लगे कि वो छः फिट की दीवार चढ़ तो गया लेकिन कूदते टाइम उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया ओके दैट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल और दैट इज़ नॉट इवन गुड फॉर द टीम ट्रेनिंग टू बी गिवन फर्स्ट इन पीटी ड्रेस पीटी ड्रेस लेटर विद द पैक्स एंड वेपन पहले हल्के कपड़ों में पीटी ड्रेस में प्रैक्टिस करनी है और लास्ट में आपको पैक्स और जो भी वेपन के साथ एस के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए देर आफ्टर एमपे एम्फेसिस टू बी गिवन ऑन क्लोजिंग ऑफ इंडिविजुअल टाइम एंड लेटर टीम टाइमिंग खुद का टाइम और टीम टाइम को कैलकुलेट करते रहना चाहिए जे इट एनहंसिस वंस एफिशियंसी हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है और कॉम्पिटेंस लेवल को बढ़ाता है ओके वेट एंड स्लिपरी ऑब्स्टेकल्स आर टू बी अवॉइडेड अगर बारिश हुई है सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह आप गए हो ऑबस्टेकल कोर्स पे तो प्लीज़ अवॉइड द वेट ऑब्स्टेकल्स ओके ऑब्स्टेकल टू बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर एंड करेक्ट टेक्निक टू बी फॉलो करेक्ट टेक्निक फॉलो करनी है और इंस्ट्रक्टर की सुपरविज़न में ही करना है एंड प्लीज मेक एंश्योर टू कैरी अर फर्स्ट एड बॉक्स अलॉन्ग विद यू और हैविंग अ फर्स्ट एड किट बेनिफिट्स जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था बेनिफिट्स से इट इन्श्योर्स फिजिकल फिटनेस फ्लेक्जिबिलिटी बढ़ाता है मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाता है कोऑर्डिनेशन माइंड का और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी इन्हांस करता है हमारी ओके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एनहांस करता है और टीम स्पिरिट हमारे अंदर बढ़ाता है समरी अगर हम देखें तो जैसे हमने देखा था एन में या किसी भी आर्म फोर्सिस में ऑब्स्टेकल की एक बड़ी अहम भूमिका है इंटेंस ट्रेनिंग इज गिवन टू द कैडेट्स इन थल सैनिक कैंप ओके और थल सैनिक कैम्प में भी ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग से रिलेटेड एक पूरा का पूरा कोर्स होता है ओके okay? और सेलेक्शन भी ऑब्स्टेकल कोर्स के बेसिस पे होते हैं ऑब्स्टेकल कोर्स इज वंस आज ट्रेनिंग कंडक्टिव मेकिंग एन सी सी कैडेट्स को फिजिकली फिट बनाने के लिए वन ऑफ द ट्रेनिंग है ये ओके अदर आर ड्रिल वेपन ट्रेनिंग ओके okay, नाम बड़े इंपॉर्टेंट है नाम पे क्वेश्चन आए भी हैं जैसे इसी वीडियो में हम जब प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे क्वेश्चन तो उसमें हम देखेंगे तो प्लीज़ मेक श्योर आप कम से कम नहीं तो अगर दस के दस का नाम याद हो जाए तो दैट इज़ वेल एंड गुड प्लीज़ मेक श्योर आपके दस के दस का नाम याद हो ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन स्टेट बैलेंस ही शुरू होता है एंड इट एंड्स विद स्टेट बैलेंस ओके okay. देखते हैं स्टेट बैलेंस क्लियर जंप गेट जिग झिकझक बैलेंस हाई वोल्ट डबल डिच राइट हैंड वोल्ट लेफ्ट हैंड वोल्ट रैम्प एंड आवर स्ट्रेट बैलेंस कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं हाउ मनी ऑब्स्टेकल आर देर इन ऑब्स्टेक स्टैंडर्ड ऑब्स्टेकल कोर्स ऑफ एनसी टेन वट इज क्लियर जम्प क्लियर जम्प हमने डिस्कस किया है सो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स ओके एट द थ्री टाइप्स ऑफ वोल्ट राइट हैंड वोल्ट लेफ्ट हैंड वोल्ट गेट वोल्ट ओके देर आफ्टर राइट एनी टू ऑबस्टेकल कमेंट करो उनपे ये भी हमने वट द बेनिफिट ऑफ ऑब्स्टकल कोर्स वो भी हमने डिस्कस किया है कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ाता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ाता है स्टेमिना बढ़ाता है टीम स्पिरिट को इनकलकेट करता है ओके हाउ डू यू डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट हैंड वोल्ट वो भी हमने देख लिया है ओके राइट हैंड वोल्ट में और लेफ्ट हैंड वोल्ट में क्या डिफरेंस है और द सेफ्टी मेजर्स सेफ्टी मेजर्स भी हमने देख लिए हैं राइट इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्स्टकल कोर्सेज वो भी हमने अभी डिस्कस कर लिया है ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं देखो इसमें आया है जिस तरीके से दिस राइट द नेम ऑफ सिक्स ऑबस्टकल्स लेकिन इसमें दस के दस मैंशन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर है ओके okay? किसी किसी डायरेक्टरेट में कम मार्क्स का आता है किसी किसी डायरेक्टरेट में ज़्यादा मार्क्स का भी आता है ओके सो इट वेरीज फ्रॉम डायरेक्टरेट टू डायरेक्टरेट इसके बाद देखते हैं और द बेनिफिट ऑफ ऑप्स्टिकल ट्रेनिंग ये भी हमने डिस्कस कर लिया है एनहांस फिजिकल फिटनेस एजिलिटी बढ़ाता है ओके okay, हमें एजाइल बनाता है फ्लेक्सिबिलिटी अल्टीमेटली वी कैन से मेंटली रोबस्ट बनाता है माइंड और बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन पैदा करता है ओवरऑल टीम स्पिरिट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव रिस्क टेकिंग एबिलिटी ये सब एनहस करता है ओके सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो इफ़ यू वॉन्ट द पी डी एफ ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर दैन यू कैन विजिट आवर टेलीग्राम चैनल नेम्ड एज एन सी सी आर्मी विंग ओके सो वी डू शेयर फ्रॉम वी डू शेयर आवर डॉक्यूमेंट्स देयर यू कैन डाउनलोड एंड रीड anytime whenever you wish okay that's all from my side if you still have any sort of any query then let me know in comment box thank you jai hind